रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां आजम को सीतापुर जेल शिफ्ट करने पर जेल अधीक्षक को फटकार लगी है। तो कोर्ट ने जेल अधीक्षक को फटकार लगाई है, बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। कोर्ट के बिना अनुमति के आजम खान को किया गया शिफ्ट, तो आजम खान और उनके परिवार को शिफ्ट किया गया। मामले में कोर्ट ने जेल अधीक्षक को नोटिस भेजा है, तो ये बड़ी खबर मिल रही है। तो जिस तरह से रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट आजम खान और उनके परिवार को किया गया है, अब उसमें कोर्ट ने जेल अधीक्षक को फटकार लगाई है। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को फटकार लगाते हुए कहा है कि कोर्ट के बिना अनुमति के आजम खान को आखिर कैसे शिफ्ट कर दिया गया। तो आजम खान और उनके परिवार को रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी उनसे मुलाकात की थी। लेकिन अब जिस तरह से आजम और उनके परिवार को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया, उसको लेकर अब कोर्ट ने जेल अधीक्षक को फटकार लगाई है। और फटकार लगाते हुए यहां पर ये वजह रखी गई है कि आखिर बिना किसी अनुमति के कैसे आजम और उसके परिवार को दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से ये वजह यहां पर बताई गई कि सुरक्षा वजहों की वजह से रामपुर जेल से आजम और उनके परिवार को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन अब कोर्ट ने जेल अधीक्षक को फटकार लगाई है, बिना अनुमति आजम और उसके परिवार को सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया। लेकिन अब सवाल यहां पर है कि आखिर जब इस तरह से सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया, तो बकायदा इसकी परमिशन क्यों नहीं ली गई। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, कोर्ट के बिना अनुमति के आजम खान को रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया। आजम खान और उनके परिवार को सुरक्षा कारणों की वजह से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है। तो रामपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आजम को सीतापुर जेल शिफ्ट करने पर जेल अधीक्षक को फटकार, कोर्ट ने लगाई जेल अधीक्षक को फटकार। कोर्ट के बिना अनुमति के आजम खान को किया गया शिफ्ट, तो आजम खान और उनके परिवार को बिना अनुमति के शिफ्ट किया गया है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से कल यानी कि गुरुवार को रामपुर जेल से सीतापुर जेल आजम और उसके परिवार को शिफ्ट किया गया। तो कोर्ट के बिना अनुमति के आजम और उसके परिवार को शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद अब कोर्ट की तरफ से जेल अधीक्षक को फटकार लगाई गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फहीम खान लाइव जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। फहीम, अब जिस तरह से रामपुर जेल से सीतापुर जेल आजम और उसके परिवार को किया गया है, इस पूरे मामले पर कोर्ट की तरफ से जेल अधीक्षक को लगाई गई फटकार। देखिए आशिमा त्यागी, कल आजम खान के अधिवक्ता सलीमुल्लाह खान ने एक एप्लीकेशन दाखिल की थी एडीजेसी वीरेंद्र कुमार जी की अदालत में, जो एनसीएमएलए स्पेशल कोर्ट है, उस कोर्ट में उन्होंने एतराज दाखिल किया था कि आजम खान को जुडिशियल कस्टडी में रामपुर जेल के लिए आदेश दिया गया था भेजे जाने के लिए, लेकिन जो जेल अधीक्षक है उन्होंने उनको शिफ्ट करने के लिए परमिशन मांगी है और उनको फिर यहाँ रामपुर जेल से सीतापुर जेल को शिफ्ट किया है। तो इस तरह से उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, उनकी एप्लीकेशन पे उनके एतराज पे एडीजेसी कोर्ट ने स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने जेलर को फटकार लगाई और फटकार लगाने के साथ ही उन्होंने उनसे जवाब तलब किया है कि आखिर जब आपको जुडिशियल कस्टडी में दिया गया था तो आपने कैसे उनको शिफ्ट किया, क्योंकि वो सरकार की कस्टडी में नहीं है इब्राहिम आजम खान, जुडिशियल कस्टडी में है आजम खान और उनका परिवार, तो उनको शिफ्ट ऐसे नहीं किया जा सकता, या तो कोर्ट की परमिशन हो या फिर कोर्ट में सूचित किया जाए। जिस तरह से आधी रात को उनका आदेश आता है शिफ्ट करने का और सुबह 4:30 बजे उनको शिफ्ट करने के लिए गाड़ी से निकाला जाता है और मीडिया से भी बात नहीं करने दी जाती है, तो इस तरह से बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। लेकिन इस चीज की जो पड़ताल हमने की कि आखिर मामला क्या है, हमने दूसरा पक्ष जानना चाहा जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया से, तो उन्होंने बड़े सनसनीखेज खुलासे कह सकते हैं हम उन्हें, उन्होंने बताया कि रामपुर जेल के अंदर आजम खान की जान को खतरा था, यानी कि जेल के अंदर उनके साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, जेलर को यह मालूम था या अंदेशा था।
की जो सनसनीखेज बात उन्होंने बताई उसे सुनने के बाद हम भी हैरत में रह गए कि जेल जो सबसे सुरक्षित जगह होती है, चाहे वो अपराधी हो या फिर ना हो, लेकिन जेल की बाउंड्री के अंदर अगर वो चला गया तो वो सुरक्षित हो जाता है। सबसे सुरक्षित जेल और वो भी सबसे अच्छी रामपुर की जेल के अंदर आजम खान की जान को खतरा कैसे था? आखिर कौन लोग हैं वो अंदर जेल के जो आजम खान का इंतजार देख रहे थे? उनको या तो भेजा गया या प्लांट किया गया, या पहले से थे या पुराने दुश्मन थे या वो पुराने अपराधी थे? आखिर वो कौन लोग थे जो आजम खान की जान के लिए खतरा बन रहे थे? सुरक्षा कारणों से अगर आजम खान को उस जेल में भेजा गया है जहाँ सीतापुर उसका जेल का नाम है, तो सीतापुर में भी तो यही हालात होंगे। सीतापुर में भी तो आजम खान की जान को खतरा हो सकता है। अगर कैदियों को खतरा है तो कैदी वहां भी है और यहाँ भी है। तो जो हवाला हमें जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने दिया, उन्होंने कई चीजें इसमें ऐसी बताई जिसको लेके अपने आप में ये सवाल खड़े होते हैं कि आजम खान की जान को जो खतरा बताया गया, क्या वाकई में आजम खान की जान को खतरा था? क्या वाकई में कोई अंदर कैदी उनका इंतजार कर रहा था अंदर जेल आने का? तो इस तरह से जो चीजें आई हैं सामने वो अपने आप में आशीर्वाद त्यागी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अब जिस तरह से यहाँ पर जेल अधीक्षक को तलब किया गया है, जवाब मांगा गया है, लेकिन जिस तरह से दिन के दिन जो है रामपुर जेल से सीतापुर जेल आजम खान और उसके परिवार को शिफ्ट किया गया, जिस तरह से दलीलें यहाँ पर दी जा रही कि सुरक्षा कारणों की वजह से कदम उठाया गया, तो इसके लिए बकायदा परमिशन यहाँ पर फहीम लेनी चाहिए थी। और अब जिस तरह से कोर्ट ने भी तलब किया है, ये सीधे तौर पर फटकार के जरिए ये साफ कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। जी आशीमा, देखिए जिस तरह से आजम खान की जान को, आजम खान की जान को रामपुर की जेल में खतरा, यानी कि उनके साथ किसी बड़े हादसे का अंदेशा, जिस तरह की चीज अगर देखेंगे आप, तो प्रशासन की बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि प्रशासन की क्या मंशा है, किस तरह से उनको यहाँ से लेके जाया गया और किस तरह से उनको शिफ्ट किया गया। भीड़ की अगर बात करते हैं तो सीतापुर की जेल के बाहर भी बेहिसाब भीड़ है और मिलने वालों का वहां भी उनसे तांता लगा है। तो यानी कि किसी से मिलने ना दिया जाए और उनकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि आजम खान खुद सांसद भी है और उनकी पत्नी रामपुर की विधायिका है और उनके बेटे पूर्व एमएलए रामपुर रहे हैं, तो जो कि अभी सुंदर हुआ है चली उनका आदेश। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। जाहिर तौर पर सवाल फहीम खड़ा होना लाजमी भी है, लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट ने यहाँ पर फटकार लगाई है, जवाब तलब यहाँ पर किया है, तो जेल अधीक्षक की अगर बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कोर्ट की फटकार को लेकर कि आखिर इतने आनंद पानन, इतनी जल्दबाजी क्यों? बिल्कुल आत्मा त्यागी, मैं बता दूं आपको, कोर्ट ने फटकार लगाई और जेल अधीक्षक को तलब किया। तलब करने के बाद उनसे उनकी बात को पूछना चाहा कि भाई आप बताइए किस तरह से आपने शिफ्ट किया और क्यों किया। जेल अधीक्षक का साफ तौर पर यह कहना था कि इसके लिए जेल भेज दिया जज साहब ने, इसमें डीएम साहब अधिकृत है कि हम उनकी जेल बदल सकते हैं, और अगर मंडल से बाहर हमें जाना है किसी कैदी को लेकर या किसी आदमी को शिफ्ट करना है तो उसके लिए शासन से मंजूरी लेनी होती है। तो रात को 12 बजे शासन खुला और शासन से इसकी मंजूरी हुई और उसके बाद में इसको सीतापुर ले जाया गया पूरे परिवार को आजम खान के। तो जेल अधीक्षक से भी जवाब तलब हुआ है। चलिए फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।